रंगी करोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयो हाय हाय रंगी करोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयो हाय हाय आशा की किरणों बिखराए उमंग भी चढ़ता है मन पर वे भी गुनगुनाए हाय 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 शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल मेला आई। गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग पे। और आज है अष्टमी, अभी नवरात्रि चल रहे हैं और आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अष्टमी में हम लोग आज सभी को फास्टिंग है और आज घूमने पे जाने वाले हैं, बहुत मज़ा भी आएगा। साथ ही मौसम भी बहुत ख़राब किया, पानी गिर रहा था, अभी फिर बूंद टिप 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 हो रहा है। सब कुछ करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि 700 सब्सक्राइबर आप लोग नहीं कर रहे, प्यार नहीं करके, लेकिन 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आप लोग का तहे दिल से थैंक यू। फिलहाल अभी मैं जा रहा था मुंह हाथ धोने क्योंकि मुझे पाठ करना है माँ दुर्गा का, लिए 2 मिनट तैयार होते हैं। फिलहाल अपन हो गए हैं तैयार और चलते हैं तैयार होने, क्योंकि अपने को जल्दी से ख़त्म भी करना है पाठ, उसके बाद जाना भी है। और बोला था ना पानी गिरेगा, पानी गिरना चालू भी हो गया, पानी गिर भी रहा है। फिलहाल मैंने शर्ट धोती डाल लिया है, कर लिया हमने पूरा स्तुति पढ़ना था पूरा, तो पढ़ लिया है, कम से कम उसमें 2.5 घंटा लग गया था। बाकी अभी जा रहे हैं, मतलब पानी नहीं बंद है, पापा भी आ गए, अब सब तैयार हो रहे हैं, मेरे को भी तैयार होना है, अभी तक मैं तैयार नहीं हुआ। तो अब जाता हूँ, कपड़ा चेंज कर, शर्ट यही है, पैंट पहन लेते हैं, अब चलते हैं। एकदम तैयार हो गया, दिखाता हूँ। रुको, सुबह मांग रहा था इधर टी शर्ट दिया नहीं है ना, मैं तो हो गया हूँ तैयार, आउटफिट है। बाकी इधर ये जैकेट पहन लिया, ठंडा लगेगा रास्ता। बाकी स्वेटर पहन लिया है पहले से, ग्रे कलर का स्वेटर नहीं है ब्रो, स्वेटर है, स्वेटर ही बोलते हैं। पापा भी तैयार हो गए और अब चलते हैं। ओगी ओगी पीछे कर ले, ओगी सॉल रख ले सॉल, नहीं सॉल। फिलहाल गाड़ी को फ्यूल अप कराते हैं पेट्रोल टंकी में, पेट्रोल टंकी चेंज हो गया पहले से, अच्छा दिख रहा है अभी। एक्चुअली आज मैं बोलूँ मम्मी फास्टिंग है तो आज हम लोग कुछ खा नहीं सकते बाहर, बस ऐसी बस देख के आ जाएंगे, ठीक है, प्रसाद कल खा लेंगे। तेल है सर, फिलहाल इसमें 400 को डला लेते हैं, 400 को डला लेते हैं, थोड़ा बहुत तेल इसमें पहले से था लगभग 400-500 का, तो फुल हो जाएगा लगभग। अपन पहुंच गए महेंद्रगढ़, पीछे पीछे रास्ता से आए, क्या है मार्केट में घुसने दे नहीं रहे हम, गाड़ी रखना अलाउ नहीं है और गाड़ी तो जान से प्यारा है। तो यहाँ बड़ा पापा घर था महेंद्रगढ़ में, तो यहीं पे अपन गाड़ी खड़ा कर देते हैं, चलते हैं। पंडाल तो दिखा गए गाइस, लेकिन आवाज़ तो आएगा नहीं, तो जितना हो सके अपन दिखाते जाएंगे और आवाज़ पहुँच जाएंगे। लेकिन एक पंडाल में गए, गाना इतना अच्छा बजा कि उधर जाने का नहीं था, फिर भी चल गए अपन, तो बहुत अच्छा। यहाँ से महेंद्रगढ़ का मार्केट चालू है और यहाँ से पंडाल भी, यहाँ पे अब एक से पंडाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पापा खाएंगे, अपन तो खा नहीं सकते, यहाँ पर राजमा और वो है क्या बोलते हैं चावल, बहुत अच्छा बना है यहाँ पे, अच्छा बनते ही है यहाँ पे ना, खाने पे एक ना एक नंबर चीज़ मिलेगा हर जगह, कुछ ना कुछ अलग से खिचड़ी और भोग ही नहीं रहता, खीर ही नहीं रहता यहाँ पे, खिचड़ी भी रहेगा, पूरी सब्जी भी रहेगा, सभी चीज़ें रहेंगी। देखिए हम गए थे वहाँ से 3-4 पंडाल अपन कवर कर लिए थे, उतना में ही अभी तो पूरा बचा है मार्केट वाला, पर यहाँ पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी तो अलाउड है नहीं।
चौक है यहाँ से मेन मैनगढ़ का, यहाँ से जस्ट आपका चल जाएगा आपका क्या बोलते हैं बस स्टैंड, यहाँ चल जाएगा मार्केट और जस्ट यहाँ चौक में एक पंडाल है। यहाँ पे फिर पूड़ी सब्जी मिल रहा है, पूड़ी छोले और यहाँ पे पंडाल, ये भीड़ है यहाँ पे, भीड़ रहता है यहाँ पे। यहाँ से मैनगढ़ का चौक चालू होता है, ये चौक यहाँ अलग चौक, इस बार यहाँ नहीं बैठा है शायद वहाँ बैठाए हैं, यहाँ पे अलग बैठता है और यहाँ से अपन एंट्री किए। काका मिस कर दिया, पुलाव पूड़ी सब्जी चावल और राजमा, और क्या मिस कर दिया, खीर फेवरेट था मेरा। यहाँ पे मिल रहा है गाइस क्या बोलते हैं आपका पुलाव और पनीर की सब्जी, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ हर चीज़। ये अपन नेक्स्ट दूसरे चौक पे आ गए और यहाँ पे एक और पंडाल। गाइस यहाँ का मैं यूनिकपन दिखाता हूँ एकदम अच्छा, एक यहाँ पे पंडाल है, जस्ट इसके पीछे एक यहाँ पे पंडाल है, दिख रहा होगा आप लोग को जस्ट सामने, क्योंकि यहाँ सामने सामने, तो ये है खासियत है यहाँ का। अच्छा यहाँ सस्ता हर साल और अच्छा भी लगता है, अरे यहाँ का पूरा मार्केट है पूरा अच्छा सस्ता है। संपूर्ण रूप से फोटो शूट होने के बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट पंडाल में, चाय वितरण हो रहा है, चाय भी पी सकते हैं आप, पानी भी पी सकते हैं, फिलहाल मम्मी गई है चाय पीने, चाय मम्मी पी सकती है, व्रत है ना तो कुछ खा नहीं रहे लेकिन चाय भी पी सकते हैं लिक्विड वाला सामान। मोटा भाई थक थक के चलते हुए और थकावट होते हुए सहारा लेते हुए और बहाना करते हुए कि सर दिलवारी हूँ, सर दिलवारी मी ले लो, बाद में बोले कि 500 का साड़ी दे, 500 का साड़ी ले लो लो। और अच्छा सजा इधर भी, फोटो शूटर जगह जगह फोटो खींचते हुए जरूरी है। तो यहाँ पे प्रसाद में भजिया है, देख लो बोला ना हर जगह आपको यूनिक मिलेगा, कहीं भी एक जैसा नहीं मिलेगा, बूंदी है और यहाँ पे आपका भजिया पकोड़ा जो भी बोल लो वो है, मस्त सजाते हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है देखो। यहाँ का राम मंदिर है मयंगढ़ का, बहुत ही प्यारा मंदिर है और यहीं पे पंडाल है अंदर में। यहाँ फिलहाल अपन घूम के आ गए मार्केट पूरा और अब चलते हैं घर, क्योंकि रात के 11:30 बज रहा है तो लेट नहीं करते ज़्यादा। और फिलहाल मम्मी कुछ तो आज खाई नहीं लेकिन कुछ भर तो लिए थैला में, हाँ भजिया मिलती बोलती एक रख रख ले, एक तो खा लेंगे सुबह बासी मुँह, तो प्रसाद है तो मतलब रख रहे खाने के लिए, तो कल घूम लेते तो वहाँ खा लेते। अच्छा तो इधर अब जाने की तैयारी करते हुए रात हो गया ना, पहुँचते पहुँचते एक बजे हो गया अकेला। चलो भाई 12 बज गया 12 बज गया 15 लाख का सजी लो, शुभ गणी जय आवी, आजा आजा टंटा माता शमलाओ जय आवी।